अच्छा जी, देखो अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सब बोर्ड पर फुल फोकस से इसको देखना, ठीक है ना? और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। देखो इसमें लिखा हुआ है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500,000 कैश। मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में वो 5 लाख रुपए कैश लेकर आया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी डबल एंट्री पास करो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी डबल एंट्री पास करो, तो इसकी डबल एंट्री होगी कैश डेबिट 5 लाख रुपए, ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट 5 लाख रुपए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से इस ट्रांजैक्शन को देखूं तो बिज़नेस में 5 लाख रुपए कैश आया है। कैश एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो कैश या एसेट डेबिट होता है, और वो ओनर खुद पैसे लेकर आया है, यानी कि बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो अगर डबल एंट्री वो पूछता तो कैश डेबिट, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अगर सवाल आपसे ये पूछता है कि इस पहली ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर हम पहली ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखें तो बिजनेस में एक एसेट 5 लाख रुपए का जिसका नाम है कैश, वो आया है, और इक्वल्स टू के राइट साइड पर 5 लाख रुपए कैपिटल है और लायबिलिटी जीरो है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास है, ही बॉट वैन ₹300,000 फ्रॉम कैश। उसने कैश से कैश देकर एक वैन ली। तो अगर मैं दूसरी वाली ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री पास करूंगा, अगर सवाल मुझे बोले दूसरी ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री पास करो, तो मेरे बिजनेस में एक वैन आई है, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो वैन जो है वो डेबिट 3 लाख रुपए, वैन जो है वो डेबिट 3 लाख रुपए, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वैन डेबिट 3 लाख रुपए, और कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए। कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए क्यों? कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट कम क्यों हो रहा है? भाई आप वैन खरीदने के लिए कैश पे कर रहे हो, जब आप कैश पे करोगे तो आपके बिजनेस से कैश जाएगा, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, वैन एसेट है, वैन परचेज करोगे, वैन को डेबिट करोगे। अगर वो ये पूछता कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अब मेरे पास दो एसेट्स होंगे, 3 लाख रुपए की मेरे पास होगी वैन, 3 लाख रुपए की मेरे पास होगी वैन, और मेरे पास पहले 5 लाख रुपए कैश था, पहले मेरे पास 5 लाख कैश था, अब जब मैंने 3 लाख की वैन खरीद ली तो मेरे पास जो कैश बच जाएगा वो कितना बचेगा? 2 लाख रुपए मेरे पास कैश बच जाएगा, मेरे पास जो कैश बचेगा वो 2 लाख बच जाएगा, और इज इक्वल्स टू के राइट साइड पर वही 5 लाख रुपए होगा और लायबिलिटी ₹0 की होंगी, ठीक है। यानी कि ये जो बंदा 5 लाख रुपए लेकर आया था बिजनेस में, पहले वो कैश की फॉर्म में था, अब उसमें से 3 लाख रुपए की इसमें इन्हें वैन खरीद ली, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में 5 लाख रुपए की, उसमें से 3 लाख रुपए की वैन है और 2 लाख रुपए क्या कैश है। तीसरी ट्रांजेक्शन, ही डिपॉजिटेड ₹70,000 इन बिजनेस बैंक अकाउंट फ्रॉम कैश। इस बंदे ने ₹70,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। इसकी अगर सवाल मुझसे डबल एंट्री पूछता है तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और मैं बैंक में जब पैसे डलवा रहा हूँ तो मेरे पास जो कैश होगा वो कम हो जाएगा, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹70,000 और कैश क्रेडिट ₹70,000।
बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज़ और कैश क्रेडिट 70,000 रुपीज़, 70,000 से कैश कम हुआ है और बैंक में पैसे गए। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका इम्पैक्ट कोई पूछता तो वैन तो 3 लाख रुपए की थी और वो 3 लाख रुपए की ही है, उसमें कोई कमी या इंक्रीज़ या इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैश 2 लाख रुपए था। अब जो 2 लाख में से 70,000 कैश मैंने बैंक पे डाल दिया तो अब मेरे पास 1,30,000 रुपए का कैश बच गया, और इस कैश में से 70,000 रुपए का कैश कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। 70,000 रुपए का कैश बैंक में चला गया इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि 5 लाख प्लस जीरो। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना अगर लिखना चाहो तो कोई चीज। चौथी चीज क्या होगी? ही विथड्रू रुपीज थर्टी थाउजेंड, इससे 30,000 रुपए निकाले फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले फॉर बिजनेस यूज। इससे 30,000 रुपए बैंक से निकाले, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले, लेकिन इससे जब 30,000 रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले तो ये वो 30,000 रुपए घर लेकर नहीं गया, अपने जाती इस्तेमाल या पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए लेकर नहीं गया। तो इससे 30,000 रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट से जरूर निकाले, मगर ये अपने घर, अपने जाती इस्तेमाल, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए घर नहीं लेकर गया, बल्कि इसने वो बिजनेस में रख दिए। मान लो इसकी एक शॉप है, इसके पैसे बैंक में पड़े हुए थे, वहां से निकाले और वो शॉप के गल्ले में डाल दिए ताकि शॉप के डेली एक्सपेंसेस या किसी भी तरह का कोई भी खर्चा शॉप का वो उस एक्सपेंस से पे कर सके। तो ये ड्राइंग्स नहीं होगी, ड्राइंग्स उस कंडीशन में होती है जब ओनर पैसे निकालकर अपने घर ले जाए। यहाँ पे ऐसा थोड़ी बात, ओनर ने पैसे निकाले हैं, हाँ निकाले, लेकिन वो पैसे निकालकर वो बिजनेस में ही रख रहा है, बिजनेस में ही इस्तेमाल करेगा। तो इसकी जब डबल एंट्री पास करेंगे तो ये 3 का उल्टा है। 3 में इसने कैश बैंक में डाला और 4 में इसने बैंक से कैश निकालकर बिजनेस में रख दिया। तो कैश डेबिट होगा 30,000 रुपीज और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट क्या होगा? 3 लाख रुपए की वैन, ठीक है, कैश कितना हो जाएगा? 160,000 कैश, और बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा? 40,000, क्योंकि 30,000 रुपए बैंक से निकाल लिए तो अब बैंक में इवेंचुअली 40,000 रुपए बच गए। इज इक्वल्स टू कैपिटल यानी कि 5 लाख प्लस लायबिलिटी यानी कि जीरो। ठीक है, तो मैंने 2 काम किए, जो ट्रांजेक्शन लिखी थी उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी डबल एंट्रीज क्या होंगी, ये दोनों चीज़ें कर ली। अगर आपने कॉपी किया अच्छी बात है, अगर कॉपी नहीं किया तो इसकी एटलीस्ट पिक्चर ले लो, पीडीएफ फाइल भी मैं भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी सेंड कर दूंगा, लेकिन पिक्चर भी ले लो ताकि अभी हम जब सवाल कंप्लीट करें और स्क्रॉल डाउन करें तो आपके साथ मोबाइल में सामने पिक्चर भी इसकी पड़ी हुई हो। कॉपी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इन ट्रांजेक्शन से सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम डबल एंट्रीज पास करते हैं, और 4 ट्रांजेक्शन ही, चारों की डबल एंट्रीज हमने पास कर दी। इसके बाद अगला काम होता है टी अकाउंट्स बनाना। अब अगर हम अपने टी अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस रुपीज 500,000 कैश, मिस्टर ए बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लेकर आया, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कैश डेबिट 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। तो पहली ट्रांजेक्शन जब मैं अपने पास टी अकाउंट्स में मेंशन करूंगा तो पहली ट्रांजेक्शन की वजह से मुझे एक कैपिटल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा
और एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश का। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, पहली ट्रांजैक्शन इज कैश डेबिट 5 लाख रुपए, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख रुपए। तो कैश का जो अकाउंट है इस पर डेबिट साइड पर मैं लिखूंगा कैपिटल और मैं लिख दूंगा 5 लाख रुपए, और कैपिटल के अकाउंट में लिख दूंगा कैश और लिख दूंगा 5 लाख रुपए। ठीक है, कैश का अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। कैश के अकाउंट में रेफरेंस देंगे कैपिटल का कि भाई कैपिटल कैश भर रहा है, लेकिन क्यों? कैपिटल की वजह से। और कैपिटल भर रहा है क्यों? क्योंकि कैश लेकर आया। फिर ही बॉट वैन रुपीज 300,000 फ्रॉम कैश, 3 लाख रुपए की वैन कैश से खरीदी। बिजनेस में वैन आई, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और ये जो वैन परचेज करी है ये कैसे करी है? कैश पे कर करी है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हुए मुझे एक और टी अकाउंट बनाना पड़ेगा जो मेरा वैन का टी अकाउंट होगा। ठीक है, अब कैश बिजनेस से गया है, निकला है, वैन खरीदी है, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट होने का मतलब कम हो रहा है। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ये जो टी अकाउंट होता है इसमें ये चीज़ डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। और बिजनेस में वैन आई है, वैन एसेट है, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और आई किस तरह से है? कैश से पेमेंट कर 3 लाख की वैन खरीदी। ठीक है, इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन थी ही डिपॉजिटेड रुपीज 70,000 इन टू बिजनेस बैंक अकाउंट फ्रॉम कैश। जो कैश इसके पास पड़ा हुआ था उसमें से 70,000 रुपये कैश इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि कैश कम हुआ होगा, कैश डिक्रीज हुआ होगा, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और वो 70,000 रुपये इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए तो बैंक अकाउंट का बैलेंस 70,000 रुपये से इंक्रीज हुआ होगा, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि मेरा बैंक का अकाउंट होगा। बैंक के अकाउंट में 70,000 रुपये आए हैं, आए कहाँ से? कैश। कैश के अकाउंट को मैं 70,000 से क्रेडिट करूंगा। किसी एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब उसको कम करना। तो 70,000 रुपये से मैंने जो है वो कैश का अकाउंट क्रेडिट किया, रेफरेंस दिया बैंक, और बैंक के अकाउंट को कैश के रेफरेंस से डेबिट किया कि बैंक में 70,000 रुपये आए हैं। आखिरी ट्रांजेक्शन थी ही विथड्रू रुपीज 30,000 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस यूज। इसने बैंक में से 30,000 रुपये निकाले और जो इसकी शॉप थी उसके गल्ले में डाल दिए। ये पैसे ये बिजनेस के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेगा, तो मैं कैश के अकाउंट को अब दोबारा से डेबिट करूंगा। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 30,000 रुपये निकाले और मैंने अपने कैश में डाल दिए, यानी कि यहाँ पर बैंक 30,000, कैश इंक्रीज हुआ ना, और बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा, क्रेडिट हो रहा। ठीक है, याद रहे कि कोई भी एसेट का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ये टी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टी अकाउंट्स बनाने के बाद इन टी अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। टी अकाउंट्स बनाने के बाद इन टी अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है, इनका बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन से डबल एंट्रीज बनती हैं, डबल एंट्री से टी अकाउंट्स बनते हैं, टी अकाउंट से हम इन टी अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, अगर हम कैपिटल के अकाउंट की बात करते हैं, अगर हम कैपिटल के अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड्स पर पहले तो डबल लाइन बनाएंगे। डबल लाइन में हायर टोटल लिखेंगे, डबल लाइन में हायर टोटल लिखेंगे। हायर टोटल का मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल का अकाउंट देखता हूं तो उस पर क्रेडिट साइड पर 5 लाख रुपए लिखा हुआ आ रहा और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा। हायर टोटल का मतलब ये है कि कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 5 लाख रुपए लिखा हुआ आ रहा
और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां पर भी 5 लाख रुपए लिखूंगा, यहां पर भी 5 लाख रुपए लिखूंगा, ठीक है। कैपिटल के अकाउंट में पहले तो मैं टोटल जो है वो 5 लाख और 5 लाख लिख दूंगा दोनों साइड्स पर। इसके बाद 5 लाख में से लोअर टोटल यानी कि जीरो माइनस करूंगा तो यहां पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा जो कि 5 लाख होगा, क्योंकि जीरो माइनस होगा 5 लाख में से तो 5 लाख ही बचेगा, और इसके ऑपोजिट साइड पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने कैपिटल का अकाउंट बैलेंस किया है, बिल्कुल इसी तरह से कैश का अकाउंट भी बैलेंस होगा। कैश का अकाउंट अगर हम बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड पर 5 लाख आ रहा है और 30,000 आ रहा है, 5 लाख और 30,000 टोटल कितना होता है, 5,30, और क्रेडिट साइड पर क्या आ रहा है, 3 लाख आ रहा है और 70,000, तो 3 लाख और 70,000 कितना होता है, 370। ज्यादा क्या है, 5,30 ज्यादा है, डेबिट साइड पर 5 लाख और 30,000 और क्रेडिट साइड पर 3 लाख और 70,000, तो डेबिट साइड ज्यादा। तो डबल लाइंस में हम कौन सी चीज लिखते हैं, हायर टोटल, यानी कि दोनों साइड्स पर मैं 5,30,000 डबल लाइन में लिखूंगा, हायर टोटल डबल लाइन में आएगा। कैश के अकाउंट में कैपिटल और बैंक मिलाकर 5,30,000 होते हैं, उसमें से लोअर टोटल यानी कि 370 माइनस करो 160,000, ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पर ऑपोजिट साइड पर नीचे 160,000, ठीक है। 160,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब यह है कि जितना पैसा आया और गया सारी चीजें होने के बाद अब आपके पास 160,000 बच गया। देखो हमारे पास 5 लाख ओनर लेकर आया था, फिर उसमें से 3 लाख की वैन खरीद ली थी, 2 लाख बच गया था, फिर 30,000 रुपए बैंक से निकाले थे, और सॉरी 70,000 बैंक में डाले थे, 130 बच गया था, फिर 30,000 बैंक से निकाले थे, 160 हो गया था। इसी तरह से बैंक का अकाउंट अगर बैलेंस करेंगे डबल लाइंस में, हायर टोटल एक साइड पर जीरो एक साइड पर 3 लाख है, तो दोनों साइड पर 3 लाख और 3 लाख, और इसमें से लोअर टोटल माइनस किया तो कैरी डाउन कितना आएगा, 3 लाख, और यहां पर ब्रॉड डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। और इसी तरह से बैंक अकाउंट में बताओ डेबिट साइड पर कितना है, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर 70,000 है और क्रेडिट साइड पर 30,000 है, हायर क्या है, 70, तो डबल लाइन में क्या आएगा, 70,000 और 70,000, डबल लाइन में हायर टोटल आएगा, एक साइड पर 70,000 है, एक साइड पर 30,000 है, डबल लाइन में 70,000 आएगा, और उसमें से लोअर टोटल यानी कि 30,000 जब माइनस होगा तो बचेगा कितना, 40,000, ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कहलाएगा, और ये अगली बार का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 40,000, ठीक है। अब हमने सारे बैलेंस ब्रॉट डाउन या क्लोजिंग बैलेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जब हम अपने सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो होता है लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंस ब्रॉट डाउन्स। तो ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई क्या क्या चीजें मेरे पास थी और उसकी वैल्यू कितनी कितनी थी, उसमें एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट, ठीक है। देखो मेरे पास कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल है, कितना कैपिटल है, ओनर कितने पैसे लेकर आया था, 5 लाख। कैपिटल का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, या बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के अकाउंट का क्रेडिट साइड पर आ रहा है,
कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इसके बाद कैश, कैश का कितना ब्रॉट डाउन है और डेबिट साइड पर आ रहा है, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है। उसके बाद क्या है, वैन, वैन की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए है और डेबिट साइड पर आ रही है वैल्यू। वैन की वैल्यू 3 लाख रुपए है और डेबिट साइड पर आ रही है। और क्या है, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना है, 40,000 रुपीज़ है और अगेन वो भी डेबिट साइड पर आ रहा है। अगर तुम इसको बैलेंस ऑफ करोगे ट्रायल बैलेंस को, तो दोनों साइड पर ये भी 5 लाख है और ये भी 5 लाख है, दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए, टैली करनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस में तुमने 5 लाख रुपए लगाए थे, जब सारी बातें हो गई, पूरा साल गुजर गया, सारी चीज़ें हो गई, सब खत्म हो गया, तो ये जो 5 लाख तुमने लगाए थे इसमें से 160,000 कैश की सूरत में पड़े हुए हैं बिजनेस में, 3 लाख रुपए की तुम्हारे पास वैन है, 40,000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो अगर 160,000 कैश की सूरत में पड़े हुए हैं, 3 लाख रुपए की वैन है और 40,000 रुपए बैंक पे पड़े हुए हैं, तो ये 5 लाख रुपए हैं जो मैं बिजनेस में लेकर आया था। इनिशियली मैं 5 लाख रुपए कैश लेकर आया था, लेकिन विद ही पैसेज ऑफ टाइम कुछ पैसे बैंक में चले गए, कुछ की वैन खरीद ली, तो उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली, लेकिन थे वो 5 लाख रुपए ही जो मैंने इन्वेस्ट करे हुए थे। ठीक है, मैंने जो बिज़नेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, मैंने जो बिज़नेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे, जो मेरा कैपिटल था, उसमें से 160,000 रुपीज़ कैश, वैन 3 लाख रुपए की और बैंक में 40,000 रुपए मौजूद हैं। ये कहलाता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल ब्रॉट डाउन बैलेंसेस। क्या यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर है तो मुझे जल्दी से पूछ लो। देखो, मैंने डबल एंट्रीज पास करी, अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा ये देखा, मैंने टी अकाउंट्स बनाए, ब्रॉट डाउन्स निकाले और ट्रायल बैलेंस बनाया, 5 काम करें, कोई मसला, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो इस ट्रायल बैलेंस से रेलेवेंट भी एक और डॉक्यूमेंट बनता है। अगर चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो, मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो इसकी पिक्चर ले लो, मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ। ट्रायल बैलेंस से रेलेवेंट एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो मैं जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से रेलेवेंट एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो मैं जल्दी से बना देता हूँ। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, आगे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, आगे आप इसको डिटेल में लाजमी तौर पर पढ़ोगे, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो ना, तो ट्रायल बैलेंस से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं, उसमें से एक चीज़ कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हम ये शो करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, कंपनी के पास नॉन करेंट एसेट्स कितने और क्या हैं, करेंट एसेट्स कितने और क्या हैं, कंपनी के लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या है। अब यहाँ पर हमारे सवाल में जो हमने अभी एग्जांपल करी है, उसमें मैंने किसी किस्म की किसी लाइबिलिटी को इन्वॉल्व नहीं करा। हम जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, उसमें एक जगह पे लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, साथ साथ लिखते जाओगे तो फ़ायदा होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाएंगे, तो एक जगह पर हम लिखेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी ज़िंदगी 1 साल से ज़्यादा होती है, मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, डेली बेसिस पर चेंज नहीं होते हैं। मेरे पास कौन सा नॉन करेंट एसेट है, वैन, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद लिखे जाते हैं करंट एसेट्स, इसके बाद लिखे जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मेरे पास अगर मैं देखूं, तो मेरे पास क्या क्या करंट एसेट्स हैं, एक तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कितना, 40,000, और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है कितना, 160,000। यानी कि मेरे पास टोटल कितने रुपए के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपए के मेरे पास करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट और नॉन करंट एसेट्स मिलाकर मेरे पास जो टोटल एसेट्स हैं, मेरे पास टोटल एसेट्स जो हैं, मेरे पास जो टोटल एसेट्स हैं
नॉन करेंट एसेट्स सी ना के करेंट एसेट्स 2 लाख रुपए के, जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं वो 5 लाख रुपए के हैं, जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं वो 5 लाख रुपए के हैं, और मैं दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में कोई लायबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है, आगे जाकर ये बड़ा एडवांस होगा। और सारा का सारा कैपिटल है, यानी कि पैसा मैं खुद लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल से मैच करना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आप ये बता देते हो कि कंपनी के नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं, करेंट एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है और कंपनी का कैपिटल कितना है। ये कहलाता है कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कहलाता है कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है।